हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। आज मैंने इस डोरमेट को वेस्ट पड़े हुए ब्लाउज पीसेस से बनाया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये डोरमेट। तो आज हम इस तरह के पीसेस में से डोरमेट बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी ब्लाउज पीसे हो, या फिर कोई पुरानी कुर्ती हो, या फिर कोई भी कपड़ा हो आपके पास, कुछ भी हो, आप उनमें से आज हम बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही डिजाइनर सा डोरमेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पीस लिए हैं, तो अब हम इसमें से 3x3 के चौकोर पीस निकाल लेंगे। आप कई तय बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर निशान लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से 3 इस तरह का आपको एक बॉक्स बनाना है और इसे कट कर लेना है। इस तरह के आपको ये पीसेस कट करने हैं। आप यहाँ पर कई लेयर इसमें एक साथ कई सारे पीसेस कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पीसेस कट कर लिए हैं। यहाँ पर हमें एक जैसे ही पीसेस कट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 3x3 के ये पीसेस कट कर लिए हैं। तो अब हम इसके लिए वेस्ट देख लेते हैं। तो वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक पैंट में से एक कपड़ा लिया है। इसे मैंने अवल शेप में कट किया है। आप चाहे कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो अब हम इसके चारों तरफ किनारे लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पट्टी को कट कर लिया है। आप चाहे तो ये किनारे लगा सकते हैं, आप चाहे तो ना लगाएं, क्योंकि इसमें किनारे बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो इस तरह पीसेस को लेना है, ये देखिए इसे, और इसे हमें इस तरीके से सिलना है, इस तरह से सिलना है। इसी तरह से हमें सारे पीसेस को सिलना है इसके चारों तरफ। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है पीस को, ये देखिए, और इस तरीके से रखते हुए हमें इसके चारों तरफ इनको इसी तरीके से सिलना है। तो मैं इनको इसी तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, एक लेयर मैंने यहाँ पर इसकी लगा ली है। तो अब हम इसमें सेकंड लेयर लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है कुछ। तो इस तरह से ही हमें यहाँ पर एक एक इंची का गैप छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए इस तरह से, और इसे हमें इस तरह से रखना है और इन पर सिलाई करनी है। इस तरीके से रखना है बीच में, ये देखिए इस तरह से बीच में रखना है, और इनकी चारों तरफ इसी तरह से वर्ड्स को रखते हुए इस पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये 3 लेयर इसमें लगा ली हैं। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। आप चाहें तो एक ही कलर से इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें दूसरा कलर लगा लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे इसे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसे हम इस तरीके से रखेंगे जिस तरह से हमने इनको सिला है, उसी तरह से हमें इनको रखते हुए इसके चारों तरफ इनको सिलकर तैयार करना है। तो यहाँ पर जितनी भी लेयर्स मुझे सिलनी है इसकी, उतनी मैं इसकी सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ तक सिल लिया है। 3 लेयर मैंने येलो से लगा ली हैं और 3 लेयर मैंने इस पिंक से लगा ली हैं। या तो आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कपड़ा अवल शेप में काट कर लगा सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर पतली पतली स्टेप को भी सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर येलो कलर की पतली पतली स्टेप को सिल लूँगी। आप येलो, रेड, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इस तरह से पतली पतली ये लेंगे स्टेप, और इस तरह से हम इसमें इस तरीके से ये प्लेट्स लगाते हुए इस पर हम इनको इस तरीके से सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस स्ट्रैप को सिल लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से करेंगे। अब हम इसमें सेकंड लेयर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से रखना है इसे, इस तरह से उठाते हुए, और इसमें सेकंड लेयर को लगाना है। इसी तरह से हमें इसे पूरा कवर करके तैयार करना है। येलो कलर से हम पूरा कवर कर लेंगे इसे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रैप को सिल लिया है इस तरह से। ये देखिए, कितनी ही अच्छी लग रही है इस तरह से सिलने के बाद। तो ये डोरमेट हमारा सिलकर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आपने देखा होगा इस डोरमेट को बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें,
फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।